Hello students, today we are discussing about Bragg's equation. So without any delay, let's continue our video. So basically Bragg equation होती क्या है, use क्यों करते हैं और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है. Okay, तो देखो Bragg equation है, scientist का नाम था Bragg, physicist थे वो एक. तो उन्होंने एक experiment किया था. उन्होंने क्या किया, जो crystals हैं crystal पर x-ray diffraction कराया और उसकी help से उन्होंने d मतलब इंटरप्लेनिंग डिस्टेंस और लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू को क्या किया, उन्होंने फाइंड किया. तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यूनिट सेल का अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकते हैं कि जो क्रिस्टल है उसमें अरेंजमेंट कैसा है, एटम का किस टाइप से वो अरेंज है. तो ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है, सिंपल. ये है हमारी एक्सरे. एक्सरे क्या है, हमने क्या कराया, डिफ्रैक्शन कराया. सबसे पहले ये समझिए ये क्या पर है. ये है फर्स्ट लेयर. ओके, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर एटम्स की एंड दिस इज थर्ड लेयर. दीज आर लेयर्स. ओके, जो फर्स्ट लेयर है हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है, ये क्या है, एग्जैक्ट कोई एटम है उसका सेंटर पॉइंट है ये. ठीक है, सेम ऐसे इधर है. तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, एग्जैक्ट जो सेंटर है जो उसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है. तो यहाँ से हमारी एक्स रे जिसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे आएंगी. तो मान लीजिए पहली जो रे आई, एक्स रे आई, वो उसकी इंटेंसिटी कम थी. तो इंटेंसिटी आई वो फर्स्ट लेयर से डिफ्रैक्ट हो गई. ठीक है, डिफ्रैक्शन हो गया उसका. नेक्स्ट क्या हुआ, जो सेकंड रे आई उसका जो इंटेंसिटी थी वो काफ़ी हाई थी फर्स्ट वाली एक्स रे के अकॉर्डिंग. तो वो क्या हुई, थोड़ी डीपली आई तो वो सेकंड लेयर तक पहुंची, उसके बाद उसका डिफ्रैक्शन हुआ. तो कुछ इस तरीके से जो इंसिडेंट रे है और जो ये प्लेन है, सरफेस है, इनके बीच में जो एंगल बना इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल. ग्लैंसिंग एंगल. ओके, तो इतना सिंपल है. ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें ब्रैग इक्वेशन फाइंड करनी है. तो हमने क्या किया, ये जो रे है डिफ्रैक्ट हुई उसको क्या किया, एनलार्ज कर लिया फ्रॉम पॉइंट ए तक. ठीक है, जहाँ तक जो सेकंड वाली जो हमारी इंसिडेंट रे है. सेम ऐसी इधर किया हमने, यहाँ पर भी क्या किया, जो इंसिडेंट रे थी ये वाली इसको क्या किया, एनलार्ज कर लिया, थोड़ा बढ़ाया और यहाँ तक हमने पॉइंट बना लिया. इसका नाम डाल दिया हमने सी एंड दैट इज़ ए एंड इट इज़ बी. ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ की बिल्कुल सेंटर में. तो हमें यहाँ पर दिखा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल की फॉर्मेशन हुई, एक ट्राइंगल ए ओ बी एंड सेकेंड ट्राइंगल इज़ बी ओ सी. अब इससे फ़ायदा क्या है, देखो अगर हम ऐसा कह सकते हैं, मान लीजिए कोई दो एटम है, ये दो एटम है, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर पॉइंट. अगर इनकी दूरी पता चल जाए मुझे तो हम इनकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं. तो सेम एग्जैक्ट हमें यहाँ पर करना है. हमको क्या करना है, ये जो है जो सेंटर है इन दोनों की दूरी अगर पता चल जाएगी तो हम रेडियस फाइंड कर देंगे. रेडियस फाइंड कर देंगे तो हमें क्या, शेप और साइज जो है यूनिट सेल का, जो एटम्स है वो हमें फाइंड हो जाएगा. तो हम एग्जैक्ट हमें यही करना है. यहाँ जो ये प्लेन है, दो सेंटर हैं जैसे मैंने बताया, इसको हमने क्या मान लिया है, डी. यहाँ से एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक की दूरी, मतलब ये एक एटम है इसके सेंटर और ये दूसरा एटम है उसके सेंटर तक की दूरी. तो इसको हमने क्या मान रखा है, डी. ठीक है, अब हमें पता है यहाँ दो राइट एंगल की फॉर्मेशन हुई, उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी. ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा बना है, सी ओ बी, ट्राइंगल सी ओ बी. ओके, तो ये दो ट्राइंगल बने हैं. अब हम अपनी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं. सो वी टेक इन ट्राइंगल ओ ए बी. ओके, इन ट्राइंगल ओ ए
बी। हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइन थीटा है मीन्स साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा ओ ए एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ बी। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हमने लिखा ओ ए, ओ ए को हमने किसके इक्वल माना था, जो सिंपल ओ ए है 90 डिग्री का एंगल था। लेकिन हमने ओ बी को, ओ बी को, ये जो हमारा है ओ बी, ओ बी, इसको कंसिडर किया था हमने डी, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, मीन्स दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमने डी मान लिया था, तो हम इसको डी लिख देंगे यहाँ पर ओ ए अपॉन डी साइन थीटा। अब यहाँ पर ओ ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ओ ए इक्वल टू डी साइन थीटा। सिंपल क्या किया है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई की। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ओ सी बी, ओके सिंपल वही, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है साइड ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या ओ बी, सेम एग्जैक्ट करना है ओ सी, ओ बी, ओ बी हमने क्या माना था ओ बी सेम है यही डी, इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग डी, डी के इक्वल माना था तो यहाँ डी पुट कर दिया। नेक्स्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल टू ओ सी बाय डी, इसको हम अरेंज कर लेंगे, ओ सी की वैल्यू निकालेंगे, ओ सी इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके, यहाँ पर साइन थीटा लिख दो। तो सिंपल हमने ओ सी की वैल्यू निकाल दी है और ओ ए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट एज वी नो दैट द पाथ डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एन लैम्डा है वो किसके इक्वल होता है, मीन्स ये पार्ट डिफरेंस है फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए। अब अगर हमें पार्ट डिफरेंस की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल देखो, पाथ का डिफरेंस क्या है, ये जो पाथ है इन दोनों का डिफरेंस क्या है ओ ए प्लस ओ सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस फाइंड करते हैं। ओके, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस क्या है ओ ए प्लस ओ सी, ओ ए प्लस ओ सी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ओ ए और ओ सी की वैल्यू का क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ओ ए की वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, प्लस ओ सी की वैल्यू क्या फाइंड करी थी हमने, डी साइन थीटा। ओके, अब इन दोनों को कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 2D साइन थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, तो हमारी क्या बन गई एन लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा एंड दिस इज द ब्रैग इक्वेशन। ये क्या है हमारी ब्रैग्स की इक्वेशन, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लैम्डा और इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।